Woke up at 11 o'clock, I ain't got no job. What the hell should I do today? Whether to stay in or go out, but then मैंने सोचा कि बाहर ही चलते हैं और बाहर बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है आज तो पता नहीं क्या होता है and please don't mind my face मैं सो के उठी हूँ I know my hair and everything is a complete mess तो चलिए मैं तैयार होके मिलती हूँ आपसे it's super cold here today in Tokyo and windy गुड मॉर्निंग फ्रॉम टोक्यो एंड ऑडासिटी डे राइट नाउ बारिश इतनी ज्यादा है कि छाते से भी कुछ ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा बिकॉज इट्स विंडी तो छाता ओढ़े जा रहा है फैमिली मार्ट में तो मैं यहाँ सॉक्स खरीदने आई हूँ बिलिंग कर लेते हैं फटाफट से बिकॉज हमने ट्रेन भी पकड़ ली है सो अवर द कामाता स्टेशन राइट नाउ टू फाइंड समथिंग एंड हैव फूड दिवाली में इट समोट रिजेंबल्स लाइक दिस लुक्स लाइक पत्थर पारे Another special thing about Japan is whatever thing you lay your eyes on, be it people or be it anything else, everything is super adorable and like this thing. Pancakes. God, look at this beautiful shop. Everything is so beautiful here. Panda cake. Just look at the variety. Oh my God, look at that. And this one is so cute. See what I said? Everything here in Japan is so kawaii. Coffee यहाँ पे मैंने खरीदी है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है. Coffee की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है आपको. ये gift flower shop है. Fleur Universelle Petit. सारी चीज़ें रखी हुई है यहाँ पे. इतनी खूबसूरत लग रही है. और सारी चीज़ें real हैं यहाँ पे. Everything is real. मैं जस्ट ये बोलना चाहती हूँ दोस्तों कि हम एक अलग ही दुनिया में हैं इस वक्त और ये जो दुनिया है ये बहुत ही खूबसूरत है आउट ऑफ द वर्ल्ड है अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ तो इस वक्त मैं टोक्यो के कामाता स्टेशन पर हूँ और आज मैं आप सबको ले चल रही हूँ मेरे साथ एक छोटे से शहर में जिसका नाम है कुनिताची बट वहाँ पहुँचने में हमें लगभग एक घंटा लग जाएगा और इसके लिए हमें 3 ट्रेनें भी चेंज करनी होंगी टोक्यो में ऐसा ही चलता है पर क्या करें वो कहते हैं ना मंजिल से ज़्यादा सफ़र का लुत्फ़ उठाना चाहिए और वैसे भी वो सफ़र ही क्या जहाँ पर थोड़ा सफ़र ना करना पड़े तो चलिए इसी बात पर
सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए ताकि आप भी इस खूबसूरत सफर का एक हिस्सा बना रहे। लोग म्यूजिक ही प्ले नहीं कर रहे। चलो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आपको म्यूजिक प्ले होगा तो दिखाऊंगा। ये देखिए, तो ये शिंकानसेन में नहीं बैठी हूँ मैं इस वक्त, मैं नोंगो लाइन में बैठी हूँ। हमें ताचिकावा ले जाएगी, हमें याहो जाना है, याहो स्टेशन पर जाना। अच्छा, यहाँ पे एक स्टॉप का नाम यातो था, अभी जाना हमें याहो। यातो याहो सारे नाम एक जैसे ही है, टोक्यो और क्योटो, बिल्कुल एक दोनों जो नाम से एक दूसरे के साथ मैच होते रहते हैं। ये स्टेशन कितना खूबसूरत है, बाहर पूरा रास्ता ही दिख रहा है, लोग बिल्कुल है नहीं। काशीमाता स्टेशन पे रुके हुए थे। पेंगुइन का बोल सकते हैं, जिनका लोग से 10 हाथ दिखाया गया। कोई भी नहीं है, मतलब जितना ज्यादा भीड़ रहती है उतनी भीड़ नहीं है अभी। मैंने सोचा थोड़ा एच डी में मैं वीडियोस बनाऊँ। ट्रेन पूरी तरीके से खाली है इसलिए मैं बहुत आसानी से वीडियोस बना पा रही हूँ। तो देखिए, ये जो मैंने आपको कभी ये वाला पोर्शन दिखाया नहीं क्योंकि मैं खुद ही नहीं देख पाई थी कभी। तो मतलब ये जो प्लेस है कंपार्टमेंट, अंदर ड्राइवर बैठे हुए हैं, ये देखिए ड्राइवर, और ये आगे वाला पोर्शन है ट्रेन का। बाहर अभी स्टेशन पे आ गए हैं हम लोग। कहाँ है, कौन से स्टेशन में आए हैं? मुसाशी नाकाहारा स्टेशन पे पहुँचे हैं इस वक्त, और हम लोग याहो जा रहे हैं इस ट्रेन से। ये नोंगो लाइन है और ये लोकल ट्रेन है फॉर ताचिकावा। नेक्स्ट स्टॉप है मुसाशी, समझ में नहीं आता है जापानीज में लिखा हुआ है, कांजी समझ में आती है नहीं। मुसाशी सिंजो हमारे नेक्स्ट स्टॉप है। अनाउंसमेंट की लेडी वही कर रही है, दिख रहा है आप लोगों को ट्रैक। म्यूजिक सुन रहे हैं आप लोग? हमेशा खुलने के बाद में गेट इसी तरीके की म्यूजिक आते हैं स्टेशन पर। पहुंच चुके हैं याहो स्टेशन पर। मैं याहो स्टेशन से बाहर नीचे जा रही हूँ। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, यहाँ पे फॉल स्टार्ट हो चुका है। टोक्यो में कहीं पे भी मुझे ये सारी चीजें नहीं दिख रही थी जो यहाँ दिख रही है, और बारिश यहाँ पे भी हो रही है हल्की फुल्की सी। ओह माय गॉड, यहाँ पे सही में पत्ते सारे रेड एंड ऑरेंज हो गए हैं। आई डोंट नो वेदर कैमरा में ये फोकस हो पा रहा है या नहीं। यहाँ पे खासियत ये है इस जगह की, यू कैन एक्चुअली लुक एट दी चेंजिंग कलर ऑफ लीव्स हियर। वी आर गोइंग टू खुनिताची राइट नाउ। ऐसे बारिश में चलना बहुत अच्छा लगता है मुझे, इंडिया हो कहीं पे भी। आई लव बारिश, मैं प्लूवियो फाइल हूँ तो कहीं पे भी बारिश होती है ना मुझे बहुत अच्छा लगने लग जाता है। थक गई हूँ यार चलते चलते बहुत ज़्यादा, बिकॉज यू नो वेन यू आर इन जापान आपको चलना बहुत पड़ता है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो ये एक और चीज़ है यहाँ पे किचन ओरिजिन करके, ये जो शॉप है यू कैन स्पॉट इट एवरीवेयर, एंड दे एक्चुअली सेल नॉन वेज प्राइमरीली, जो हमें तो भाता है नहीं। आई एम फाइनली हियर एट द हितोत्सुबाशी यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज इन जापान। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आप मोनबुशो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन इफ यू आर लकी एनफ यू माइट गेट सिलेक्टेड आउट ऑफ द पूल ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स हू अप्लाइंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड देन आप यहाँ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ सकते हैं। पाइन ट्रीज लगे हुए हैं, ये एंट्रेंस गेट है, जो सामने से आ रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं। Baymax spotted. मेरे पीछे यहाँ पे पूरी बिल्डिंग है।
also back to university right now. और मेरे इस तरफ है यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग और मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी की ओर. इट्स सुपर सीनिक है, पूरी ग्रीनरी है कैंपस में. So as you can see, fall is here and ये सारी पत्तियां यहाँ पे ऑरेंज टर्न हो चुकी. कंप्यूटर सेंटर, कंप्यूटर एडुकेशन बिल्डिंग, ऐसा लग रहा है वूड्स, डीप डेंस वूड्स में एंटर कर रहे हैं. दिस इज नो लेस देन हेवन टू स्टडी हियर. देख रहे हैं आप, आगे कोर्ट बना हुआ है, बास्केटबॉल कोर्ट है. Look at these beautiful orange flowers that I just spotted here. और हम लोग पहुंच चुके हैं हितोत्सुबाशु यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल हाउस में. Hey everyone, सुबह से कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है. यहाँ पे हम इंटरनेशनल सेंटर में पहुंच चुके हैं हितोत्सुबाशु यूनिवर्सिटी का. एक्चुअली बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि दिक्कत आती है अलग अलग जगह पर जाने की, बिकॉज कैमरा गीला होता ही है. बट आप लोग ये सारी चीजों को देख सके जो मैं देख रही हूँ, इसलिए आई एम रिकॉर्डिंग इट अमिड ऑल दीज डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड रेन्स एंड विंड्स एंड व्हाट नॉट, ताकि आप लोग देख सके और मजा कर सके मेरे साथ. पीछे ये पूरी साइकिल्स रखी हुई है. मैं चलो अभी अंदर चलती हूँ. एक्सचेंज कॉर्नर है. ये क्रॉस कल्चरल जो रूम है, यहाँ पे अंदर टेबल्स वगैरह रखी हुई है. मुझे अपने स्कूल की थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, स्कूल में ऐसा था. लुक एट दिस ब्यूटीफुल शूज. तो हम जा रहे हैं इंटरनेशनल रूम्स की ओर. कैसी रहती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, अभी आप हितोत्सुबाशु यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके रूम्स में आप स्टे करेंगे आगे. ठीक है, चलो चलते हैं. हे एवरीवन, सो वी आर अराइव्ड हियर एंड आई शो यू दिस. यहाँ पे कपड़े वपड़े धोते हैं, कॉमन एरिया है वॉशिंग वगैरह के लिए. ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ बैठ के सब लोग खाना खाते हैं. यहाँ डाइनिंग टेबल है और दिस इज सो प्रिटी. वर्ल्ड मैप्स लगे हुए हैं यहाँ पे और आगे की तरफ थोड़ा दिखाऊं आपको. दैट्स मी रिकॉर्डिंग. हेलो. एंड ये देखिए, ये कॉमन किचन एरिया है जहाँ पे आप कुक कर सकते हैं. कोई अपना सामान यहाँ छोड़ के चला गया है, वो डोंट लीव द किचन व्हाइल यू आर कुकिंग. क्लीन अप द किचन आफ्टर कुकिंग. सो देयर आर सर्टेन रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो हियर. आगे चलते हैं कमरों की ओर. ये है कमरे. अच्छा, एक और चीज, यहाँ से भी अब बारिश बहुत ज्यादा हो रही है. यहाँ से भी देख सकते हैं कमरे आगे जो है, स्टूडेंट्स जो रहते हैं यहाँ पे. चलो चलते हैं हमारे रूम्स की ओर. कमरे है 403. बारिश खतरनाक तेज हो रही है. चलते हैं आगे. वी आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. सॉरी, मैं आज आप लोगों को क्लासरूम्स नहीं दिखा पाई. यूनिवर्सिटी बंद थी ना आज. और मैं बाय द वे यहाँ पे कुछ काम से आई थी, मुझे एक प्रोफेसर से मिलना भी था. फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको यूनिवर्सिटी के थोड़े दर्शन भी कराए जाए. आई होप यू एंजॉयड द विजिट दो. एंड थैंकफुली रेन थोड़े से रुक चुके हैं, बारिश रुक चुकी है अभी. अच्छा लग रहा है, फ्रीली चल पा रही बिना छाते वगैरह के. इट्स नाइस, द वेदर इज नाउ. It was nice before, but now it's comfortable actually, because without chata, you don't have the tension to carry it here and there. मैं यहाँ पे एक शॉप में आई हूँ और यहाँ पे थोड़ा आपको रेट दिखाती हूँ आलू के. आलू 70 येन के है, सबसे चीप आलू ही है. फिर प्याज है, और ये प्याज कितना बड़ा है, 120 येन के प्याज.
पिज्जा 290 ये फिर क्या है वी आर दिस थिंग्स टोमेटोस तो यहाँ पे सारे जो ये पेड़ लगे हुए हैं ये साकुरा के पेड़ है अभी मौसम नहीं है अप्रैल में आता है तो ये पूरे पिंक हो जाएंगे फिर आ गई हूँ मैं यहाँ फैमिली मार्ट में आती ही रहती हूँ हमेशा यहाँ पे तो यहाँ पे कॉमिक्स रखी हुई है एनिमे तो ये मांगा कॉमिक्स देखते ही वाली इस तरीके से अंदर जापनीज में सारे कॉमिक्स बनी हुई है मैं बचपन में बहुत कॉमिक्स पढ़ती थी पर ये वाली मुझे कुछ समझ नहीं आती ओह देयर आल्सो दिस डोरेमोन वन आई नो दिस Trying the French onion soup for the first time. It's basically an onion soup, as its name goes. Topped with chunks of Gruyere and Parmesan cheese, some crunchy pieces of bread, carrots, broccoli, and pasta. This can be kind of difficult to eat. Honestly, it was for me a bit challenging, but also it was fun. An experience indeed. So I'm here at a park right now. इस पेड़ में पूरी तरीके से फ्लावर्स गिरे हुए हैं नीचे और मेरे बालों पे भी थोड़े फ्लावर्स गिर गए मेरे पीछे एक पेड़ है जिसके आजू बाजू में सर्कमफेरेंस में पूरे ये फ्लावर्स गिरे हुए हैं और ये पूरा एक पार्क है करके जा रही हूँ फ्रेंड लोग ले ना सकते कभी भी हेलो दोस्तों इस वक्त मैं जापान की गलियों में घूम रही हूँ मैं आपको एक पेड़ दिखाती हूँ यहाँ पे कोई तो भी फ्रूट लगा हुआ है ऑरेंज कलर का आई थिंक ये एक टोमेटो है पिछले एक घंटे से कंटिन्यूसली चल रही हूँ ये पत्ता देख रहे हो रिप्रेजेंटिंग फॉल सीजन मेरे एक कैमरे की बैटरी चली गई है एक्चुअली हो ये रहा है कि किसी न किसी कैमरे की बैटरी चली ही जाती है नो मैटर मैं कितनों को चार्ज करती हूँ जैसे तीन अगर मैं रख रही हूँ तो आउट ऑफ द थ्री वन गोज अवे एंड देन द रेस्ट ऑफ द टू आर देयर एंड द रेस्ट ऑफ द टू में से एक मेरा मोबाइल कैमरा है सो आई मेक श्योर कि कोई भी फुटेज किसी भी कैमरे से हो आई डोंट मिस एनीथिंग योर छोटी से छोटी डिटेल माइनर सी माइनर चीज यू कैन सी मैं अपने वीडियोस में कैप्चर कर रही हूँ ताकि आप जापान को करीब से देख सकें अपनी नजरों से नो रोजी टिंटेड ग्लासेस और नथिंग फैंसी बिल्कुल रियल द वे आई एम लुकिंग एट थिंग्स इज द वे आई एम गोइंग टू शो इट टू यू गाइस सो स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू माय वीडियोस बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू मी लाइक कीजिए शेयर कीजिए और आप दोस्तों को भी दिखाइए मेरे वीडियोस सो दैट मैं इसी तरह और घूमती रहूं और आपके लिए वीडियोस बनाती रहूं आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं आप किस तरीके की चीज़ें और देखना चाहते हैं थोड़े स्ट्रक्चर घर के अलग बने हुए हैं अच्छा लग रहा है डिफरेंट लग रहा है यू डोंट फील लाइक यूर एट अ फेमिलियर प्लेस बट ऑल्सो यू फील फेमिलियर एट द सेम टाइम वी आर फीलिंग राइट बट आई कांट एक्सप्लेन The exact feeling.